नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे फार्मा सेक्टर की एक कंपनी के बारे में, जिसने वो जो ओल्ड टाइम मतलब कि 2002 से लेकर के 2022 तक 38,000% के रिटर्न बना करके दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जिस किसी ने 1,00,000 रुपये उस टाइम लगाया हुआ होगा, उसका जो पैसा है 3,85,00,000 रुपये आज के दिन हो गया होगा। तो ये इससे समझिए आप 385 times जो है इस कंपनी ने गजब के रिटर्न दिए हैं। लास्ट के 5 सालों का यदि कंपाउंडिंग रेट देखोगे तो 40% की ज़्यादा के साथ जो है CAGR के साथ ये कंपनी ग्रो कर रही है। और आने वाले टाइम में क्योंकि इसका भी जो बिजनेस है 95 countries में अलग अलग जो है देशों में इसका बिजनेस है, और ये जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है कंपनी फार्मा सेक्टर में, तो गजब की ये कंपनी रहने वाली। देखेंगे इसकी डिटेल में कि कितने जो है रिटर्न बना सकती है। ये कंपनी जो है अभी फिलहाल जो है गजब की गिरावट में चल रही है, लगभग 5,500 रुपये 55,000 जो है सॉरी 5,500 रुपये के आसपास जो है ये शेयर चल रहा था, और फिलहाल जो है ये करीब 3,500 रुपये के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में जो है गजब के रिटर्न आप इससे बना सकते हैं। आइए लेकर के चलता हूँ, यदि ये जो है 22% की कंपाउंडिंग दे दे जो कि लास्ट 10 साल का है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितना पैसा हम इससे बना सकते हैं। तो कंपाउंडिंग कैलकुलेटर की तरफ मैं लेकर के चलता हूँ। हम मान के चलते हैं कि सिर्फ एक बार हम 1,00,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं वन टाइम। इसके अलावा मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इसका जो लास्ट 5 सालों का जो रिकॉर्ड है ना, वो 40% की कंपाउंडिंग है। मतलब लास्ट 10 सालों का चेक करोगे तो 22% की कंपाउंडिंग है, और लास्ट 5 सालों का देखोगे तो 40% के आसपास की जो है कंपाउंडिंग है। तो इसका जो रेट ऑफ कंपाउंडिंग है वो बढ़ रहा है, और मैं सिर्फ यहाँ पे ले रहा हूँ सिर्फ 22% की कंपाउंडिंग। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि 10 सालों बाद जो हमारा पैसा ये कंपनी 1,00,000 से कितना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 1,00,000 रुपये जो है इसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो 10 साल बाद जो है आपका पैसा 7,30,000 रुपये बन जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखें कि 20 साल बाद हमारा जो पैसा है वो कितना बन सकता है 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर। तो जो कि मैं बता दूं आपको, ये स्टॉक जो है 30-40% के आसपास गिरावट में मिला है, गजब का स्टॉक है और फार्मा सेक्टर का है। यदि आप 1,00,000 रुपये लगा करके भूल जाते हो 20 साल तक, तो ये जो कंपनी है 53,00,000 रुपये बना करके आपको दे सकती है, मतलब कि 0.5 crore, ठीक है। अब इसके अलावा हम मान के चलें 30 साल तक कोई होल्ड करना चाहता है, तो देखते हैं कि कितना अब हम जो है 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करके बना सकते हैं पैसा। तो आप 4 crore के आसपास की आपकी जो है वेल्थ क्रिएट हो सकती है अगर आप 1,00,000 रुपये फिलहाल के प्राइस पे जो है इन्वेस्ट कर देते हो। गजब का स्टॉक है, गजब की गिरावट में जो है ये चल रहा है, इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। बात कर रहे हैं दोस्तों फार्मा सेक्टर की डिविज लेबोरेटरी के बारे में। अगर अब देख लेते हैं कि SIP करें इस शेयर के अंदर 5,000 रुपये के आसपास की, तो देखते हैं कि कितना पैसा हम बना सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कंपाउंडिंग इसकी बढ़ रही है, तो हमने जो कंपाउंडिंग लिया है CAGR लिया जो परसेंटेज में, वो काफ़ी कम लिया है, 40% से 22% का कंपाउंडिंग लिया है। इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा है, तो अगर इसकी कंपाउंडिंग जो है 40 या 30% रहती है, तो इसके जो रिटर्न आपके वो इससे कहीं ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर SIP करें इस शेयर के अंदर और 22% की कंपाउंडिंग रहे, तो देखते हैं 10 सालों बाद जो हमारा पैसा कितना बन सकता है 5,000 की हर महीने SIP करने पर। तो अगर आप 5,000 रुपये हर महीने इस शेयर में लगा देते हो तो 21,00,000 रुपये आप बना सकते हो इस शेयर से। इसी के अकॉर्डिंग अगर देखें कि 20 साल तक अगर होल्ड करें तो कितना पैसा बन सकता है हमारा, तो 20 साल तक आप अगर जो है 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो 2,15,00,000 रुपये इससे बना सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम अब देखें कि क्वालिटी इस शेयर के अंदर क्या है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि कैसी ये कंपनी है दूसरी फार्मा सेक्टर की कंपनियों के कंपेयर में, कैसा ये कंपनी जो है कर रही है। तो मैंने जो कंपेरिजन में जो लिया है दोस्तों, वो लिया है डिविज लेबोरेटरी, ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, लुपिन्स लिमिटेड और सन फार्मेटिकल, ठीक है। अब देखते हैं कि एक साल में जो किसने क्या बना करके दिया है। तो सन फार्मा का जो रिकॉर्ड है वो 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बाकी तीनों जो कंपनियां नेगेटिव है। अब देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में 5 साल का जो रिकॉर्ड है पिछला क्या रहा है। तो आप देखिएगा कि डिविज लेबोरेटरी ने जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है, लगभग 444%, ठीक है, गजब के रिटर्न है। लगभग मतलब हर साल जो है आपके पैसों को लगभग जो है 100% की रिटर्न दे रही है, लगभग, ठीक है। यदि हम देखें डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी 57% के रिटर्न इसने बना करके दिए, लुपिन ने 43% के नेगेटिव रिटर्न, सन फार्मा ने 45% के पॉजिटिव रिटर्न। तो गजब की रिटर्न इसने 5 सालों में दिया है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने। अब अगर देखें कि हम लॉन्ग टर्म भी जब
से लेके इसकी जब से लिस्टिंग हुई तब से लेकर के आज तक के देखिएगा कि इतने गजब के रिटर्न है कि डिवीज लेबोरेटरी ने 38,000% के रिटर्न बना करके दिए हैं, 385 गुना तक पैसों को करके दिया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग यदि डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरी देखें तो 6600% के रिटर्न, ल्यूपिन ने 25,000% के रिटर्न और सन फार्मा ने जो है 34,000% के रिटर्न बना करके दिए। एक देखिएगा एक बात कि इस जो कंपनी ने लगातार कंटिन्यूस कंपाउंडिंग किया है पैसे को, इसका जो ग्राफ आप देखिएगा, चार्ट आप ओपन कीजिएगा तो इसका जो चार्ट है ना कर्व सरफेस में गजब के जो रिटर्न ये शो कर रही है कंपनी। देखिएगा मैक्सिमम टाइम का जो चार्ट है वो देखिए आप। ठीक है, इसका जो कर्व सरफेस में एक भी बार जो है इसमें गिरावट नहीं है, गिरावट हुई है तो अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है उसके बाद। ठीक है, अब मैं लेकर के चलता हूँ इसकी कंपनी की क्वालिटी की तरफ। तो कंपनी का मैं बता दूँ, डायरेक्ट पहले ही बता देता हूँ कि इस कंपनी के पास 11,000 करोड़ के रिजर्व रखे हुए हैं और इस रिजर्व के मुकाबले में, सेविंग के मुकाबले में 4 करोड़ का कर्ज है, सिर्फ 4 करोड़ का। मतलब 11,000 के मुकाबले में 4 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता, 4 करोड़ तो कभी भी ये कंपनी जो है चुका सकती है। और 5 साल का जो कंपाउंडिंग है वो भी गजब का है, 40% का कंपाउंडिंग है। यदि इस कंपनी की क्वालिटी देखें कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है 22% की है लास्ट 5 साल से, और ये जो कंपनी आपको करोड़पति बना सकती है अगर आप इसमें SIP या लमसम एक बार डाल के पैसे रख दे देते हो और फॉलो करते हो उसे, इसको ट्रैक करते हो। तो अब अगर देखें कि 2018 से लेकर के 2022 तक के रिजल्ट क्या रहे हैं कंपनी के, तो गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 2019 में देखें तो 1300 करोड़ के प्रॉफिट हुए, 1353, फिर 1377 करोड़ के नेट प्रॉफिट, फिर 1900, फिर 2900। मतलब कि हर साल गजब के जो है प्रॉफिट इसके बढ़ रहे हैं। इसी के मुकाबले में आप देखिएगा इसकी जो फार्मास्यूटिकल की जो इंग्रेडिएंट है या दवाइयाँ जो हैं वो लगातार अच्छी खासी उसकी सेल हो रही है। 4900 करोड़ के जो है सेल हुई, उसके बाद 5300, फिर 6900, फिर 8900। ठीक है, लगातार जो इसकी सेल भी बढ़ रही है, ठीक है, और इसके जो है प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम देखिएगा 8900 करोड़ के जो है नेट सेल्स हुई है कंपनी के अंदर। तो गजब की कंपनी लगती है मुझे, लॉन्ग टर्म में गजब का बिजनेस जो है बनाएगी और अलग अलग प्लांट जो है ये बना रही है, लगातार लगा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है बिजनेस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का। रिजर्व देखिए कंपनी के पास 9,000 करोड़ के रिजर्व और बोरिंग जो है 5 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर, जो कि काफ़ी कम है सेविंग के मुकाबले में। ठीक है, तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ देखिएगा कि FII ने जो है अपनी होल्डिंग जो है इस कंपनी के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखी है, 18% के आसपास के। इसके अकॉर्डिंग आप इस शेयर के साथ यदि जाते हो तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जो है पैसा आप इस शेयर से बना सकते हो। डिवीज लेबोरेटरीज के अंदर दोस्तों कंपाउंडिंग भी काफ़ी अच्छी है, लास्ट पाँच सालों का देखोगे आप जो रिकॉर्ड है वो 40% की कंपाउंडिंग के साथ जो है ये स्टॉक ग्रो कर रहा है, और लास्ट 10 सालों का रिकॉर्ड देखिएगा 22% की कंपाउंडिंग ये स्टॉक दे रहा है। तो आप इसके साथ स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये जो है कंपनी है। दूसरे स्टॉक जो है आप रिस्क लेते हैं उसकी बजाय आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के साथ जाइएगा, काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। और जो है आप SIP अगर कर देते हो ना तो अच्छी खासी मतलब कि करोड़ों में आपकी जो है वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, जरूर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।